नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। बाल विकास की व्याख्यान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग किशोरावस्था में होने वाले विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने पिछले व्याख्यान में बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास में विकास तथा अभिवृद्धि में क्या अंतर है, शैशवावस्था में प्रमुख विकास तथा बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में व्याख्यान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग किशोरावस्था, जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में रखा जाता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रश्न बनते हैं, तो आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार जो नए व्यूअर हैं वह प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम बात करें एडोलेसेंस, जो कि मानव विकास की तीसरी प्रमुख अवस्था है, जो लगभग 12 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है, अर्थात 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के प्रारंभ से लेकर लगभग 18 वर्ष तक के बीच मानी जाती है। इस अवस्था को लक्ष्य निर्धारण की अवस्था के रूप में देखा जाता है। यह किशोरावस्था, जो अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व रूप से विकसित होना। अतः स्पष्ट है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विकास के सभी आयामों में लगभग पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को संघर्ष, तूफान तथा तनाव का काल भी कहा है। साथ ही साथ बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था का संक्रमण काल भी माना जाता है। अर्थात हम देखें तो बाल विकास के इस क्रम में यह एक ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो कि विकास के क्रम को लगभग पूरा कर लेती है और बालक में सभी विकास के आयामों में पूर्ण परिपक्वता देखने को मिलती है। आइए हम किशोरावस्था पर कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उनके विचारों को देखें। तो जो सबसे पहले किशोरावस्था को परिभाषित करते हैं, किलपैट्रिक महोदय, इनका कहना है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि चूंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अत्यंत ही तीव्र मानसिक, सांवेगिक तथा शारीरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण अनेक तरह की नई नई समस्याएं बालक के जीवन में परिलक्षित होती हैं, इसीलिए इस अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया। स्टेनले हॉल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं और वह आपको फ्रिक्वेंटली यह परिभाषा परीक्षा में प्रश्न के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि स्टेनले हॉल एडोलेसेंस पर बहुत ही विस्तृत अध्ययन करने वाले एक शिक्षाविद हैं। इन्होंने एडोलेसेंस नामक बुक लिखी जिसमें इन्होंने एडोलेसेंस की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा यह कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है, जो कि आप अवश्य ही विभिन्न परीक्षा में देख सकते हैं। दूसरी इन्होंने एक परिभाषा दी कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक विकास जो होता है वह अचानक होता है। आगे हम बात करें, वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। अब अगर देखा जाए वैलेंटाइन के इस परिभाषा को, तो हम देखेंगे कि किशोरावस्था चूंकि अत्यंत ही परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है, जीवन के लक्ष्य निर्धारण की अवस्था मानी जाती है, अनेक तरह के सांवेगिक परिवर्तन देखे जाते हैं, साथ ही साथ इसमें विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसी विद्रोह का परिणाम होता है कि बालक कभी कभी किशोरावस्था में अपने समाज के लीक से हटकर जब व्यवहार करने लगता है तो वह अपराध की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए वैलेंटाइन ने कहा कि किशोरावस्था
अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। अगर इस अवस्था में बच्चों का ध्यान न रखा जाए तो अवश्य ही वह गलत राह पर चले जाते हैं। आइए किशोर अवस्था की इस संप्रत्य को स्पष्ट करने के बाद हम देखते हैं किशोर अवस्था के उपनाम। बहुत सारे ऐसे उपनाम इनके हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था को सबसे पहले अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। आप अगर जीन पियाजे के सिद्धांत की अंतिम स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वह एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बालक में अमूर्त चिंतन की अवस्था पाई जाती है। अर्थात अगर आप शैशवावस्था की बात करें तो वहां पर अतार्किक अवस्था, बाल्यावस्था में तार्किक अवस्था और किशोरावस्था में आते आते अमूर्त चिंतन की अवस्था आ जाती है, यानी कि इसमें अब उच्च मानसिक विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए अब वह किसी भी वस्तु घटना या व्यक्ति के बारे में अमूर्त चिंतन करने में सफल हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसका उपनाम और भी है कि जीवन का यह सबसे कठिन काल होता है। यानी कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो अवश्य ही आप उसका जवाब किशोर अवस्था देंगे। अब जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन अचानक होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं, जिसके कारण जीवन को सही दिशा देना इस अवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही इस अवस्था में होती है तो बालक विचलित हो जाता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में असफल हो जाता है। वहीं इसके अन्य उपनाम की बात करें तो यह समस्याओं की अवस्था होती है। अगर हम जीवन के कठिन काल के आधार पर ही बात करें तो चूंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बालक सांवेगिक परिवर्तन देखने को मिलता है, साथ ही साथ यौन ग्रंथियों में पूर्ण विकास देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप अनेक तरह के आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिससे बालक बालिकाओं में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इस किशोर अवस्था को समस्याओं की अवस्था कहा गया। इसे जीवन के लक्ष्य निर्धारण की भी अवस्था कहा जाता है। यानी कि जीवन के लक्ष्य निर्धारण की अवस्था किसे कहते हैं, तो अवश्य ही किशोर अवस्था को कहते हैं, क्योंकि यह वह अवस्था होती है, यह वह पड़ाव होता है जहां पर बालक यह निर्धारित करता है कि अब उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, उसका जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे क्या बनना चाहिए। यहीं पर उसको उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए अब उसे अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। आगे हम बात करें तो दल भक्ति की भी अवस्था होती है। आप बाल्यावस्था में देखे होंगे, चूंकि वह एक टोली की अवस्था होती है। अब यहाँ पर जब वह टोली आगे बढ़ती है तो किशोर अवस्था में वह एक घनिष्ठ मित्रता के रूप में एक समूह का निर्माण करती है और उसके प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति देखी जाती है। उलझन की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहते हैं। उलझन की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज के बहुत सारे नैतिक रीति रिवाज, परंपराओं तथा मूल्यों का किशोर अवस्था में द्वंद देखने को मिलता है, प्रतिरोध देखने को मिलता है और उन नियमों बंधनों को मानने की जो पाबंदी किशोरों में देखी जाती है, उसकी वजह से उनमें अनेक तरह की उलझन पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसके कारण किशोर अवस्था को उलझन की अवस्था कहा जाता है। अंतिम बात करें इसके उपनाम की तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किशोरावस्था की जो विशेषता आप कह सकते हैं, विषप लिंगी प्रेम की अवस्था होती है। यानी कि यहाँ पर यह वह अवस्था होती है जो अपने विषम लिंगी के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति पैदा होती है, एक तरह का
नेचर है यह सार्वभौमिक पाया जाता है कि किशोरावस्था या लगभग इस उम्र के बच्चों में विषम लिंगी प्रेम की अवस्था उत्पन्न होती है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इन सभी उपनामों को आप ध्यान से याद रखें, खासकर आप इन सभी व्याख्यानों का अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अवश्य ही आप विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ आप में उचित व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेरे सारे व्याख्यान सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ओरिएंटेड न होकर ज्ञान ओरिएंटेड की तरफ होते हैं, ताकि आप में वह व्यवहार परिवर्तन दिखे जो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के बाद बालक में देखी जाती है। आपका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास कर लेना। आप में जो चीजें आप पढ़ते हैं उसको फिर से अभिव्यक्त करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, उसमें तोड़ मड़ोड़ करने की क्षमता होनी चाहिए। आप तभी उस चीजों को ऐसा कर पाएंगे जब आप उसका अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं। इसलिए आप चीजों को गहनता से पढ़ें, गहनता से समझें, खासकर नोट्स बनाएं। बहुत शॉर्ट और शॉर्टकट रास्ता कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। आप ईमानदारी से लगे रहें, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो किशोरावस्था के प्रमुख आयामों में सबसे पहला आयाम शारीरिक विकास का होता है। किशोरावस्था में चूंकि विकास बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, ये माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु लड़कियों में तथा 18 वर्ष की आयु लड़कों में आते आते वह अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि लड़कियों को 16 वर्ष तथा लड़कों को 18 वर्ष में जितना लंबा होना होता है वह हो जाते हैं, और इनकी जो औसत लंबाई पाई जाती है वह किशोरावस्था के अंत में लगभग बालक में 161 सेंटीमीटर तथा बालिकाओं में 151 सेंटीमीटर देखी जाती है। वहीं हम अगर शारीरिक विकास के अंतर्गत उनके भार की बात करें तो यह इस अवस्था में उनके भार में भी अत्यंत वृद्धि देखी जाती है, और किशोरावस्था के अंत में आते आते बालकों का भार लगभग 47 किलोग्राम तथा बालिकाओं का भार लगभग 43 किलोग्राम होता है। वहीं हम बात करें मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क का भी विकास इस अवस्था में इष्टतम या पूर्ण माना जाता है। आप अगर ध्यान दें तो सारे विकास जो होते हैं वह शैशवावस्था में बहुत तेजी से होते हैं, बाल्यावस्था आते आते सारे विकास में धीमी गति हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था में फिर वो सारे विकास अचानक तीव्र गति से बढ़ते हैं और अपने परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। तो हम मस्तिष्क के विकास की बात करें तो वह भी 16 वर्ष की आयु तक आते आते पूर्ण विकसित हो जाता है। हम हड्डियों तथा मांसपेशियों की बात करें तो आप देखे होंगे कि पिछले व्याख्यानों में हमने बताया कि शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो बालकों में 270 होती है, लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़कर 350 हो जाती है। लेकिन किशोर अवस्था में आते आते चूंकि यहाँ पर बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है और हड्डियों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है, उसमें लचीलापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, बहुत सारी हड्डियां एक साथ जुड़कर एक हड्डियां बन जाती हैं, और वह कुल हड्डियों की संख्या किशोर अवस्था में 206 रह जाती हैं, और यही 206 हड्डियां अंत तक बनी रहती हैं। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास भी तीव्र गति से होता है, साथ ही साथ वह अत्यंत ही परिपक्व हो जाती हैं, और साथ ही साथ उनके जो विकास होता है मांसपेशियों का वह उनके कुल भार का 45-50% तक होता है। हम बात करें तंत्रिका तंत्र में वृद्धि या धड़कन में वृद्धि की, तो आंतरिक अंगों की वृद्धि में पाचन प्रणाली, रक्त संचार तथा अन्य नर्वस सिस्टम की से संबंधित वो सभी विकास लगभग अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो हृदय की धड़कने की फ्रिक्वेंसी होती है वो 72 बार प्रति मिनट हो जाती है,
वहीं आप देखे होंगे कि शैशवावस्था में 170, बाल्यावस्था में 140 और फिर किशोरावस्था में आते आते यह 72 प्रति मिनट हो जाती है। हम बात करें कि किशोरावस्था में यह एक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है, जहां पर थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है, जिसके कारण बालक बालिकाओं में अस्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। यहीं पर उनकी आवाज या उनके अन्य चीजों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। थायराइड ग्रंथि के विकास से बालिकाओं में बॉडी में कोमलता आ जाती है, वहीं बालकों में उनकी बॉडी में कर्कशता आ जाती है। बात करें यौन ग्रंथि के विकास की, जो कि इस अवस्था के शारीरिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है, कि इस अवस्था में आते आते यौन ग्रंथि का पूर्ण विकास हो जाता है, जिसके कारण लड़कियों में मासिक रक्तस्राव आरंभ हो जाता है तथा लड़कों में रात्रि दोष देखने को मिलता है। बात करें विशेष अंगों का, जिसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें बालिकाओं के वक्ष अक्षर या स्तनों में वृद्धि पाई जाती है तथा लड़कों के कंधों तथा छाती में भी चौड़ाई देखने को मिलती है। बात करें मानसिक विकास, जो कि एक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव चेंजेस आर एसोसिएटेड विथ हार्मोनल एंड न्यूरो डेवलपमेंट चेंजेस लीडिंग टू मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस। यानी कि अब इस अवस्था तक आते आते कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, जो कि विभिन्न तरह के हार्मोन्स तथा न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम के विकसित होने का परिणाम होता है। यहाँ पर किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण आप बालक में मानसिक और सांवेगिक परिवर्तन देखते हैं। साथ ही साथ हम किशोरावस्था के बारे में और परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखते चलें। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। यानी कि क्रो एंड क्रो का मानना है कि जो मानसिक विकास है वो 16 वर्ष की अवस्था में कंप्लीट हो जाता है, जबकि फ्रायड मानते हैं, जो कि एक व्यवहारवाद के जनक हैं, उनका मानना है कि मानसिक विकास 18 वर्ष में 100% हो जाता है। वहीं अगर आप एक चीज और ध्यान दें तो मानसिक विकास का 90% तो शैशवावस्था में ही कंप्लीट हो जाता है, बचा जो विकास होता है वह किशोरावस्था में पूर्ण रूप से हो जाता है। बात करें तो किशोरावस्था में जो मानसिक विकास देखने को मिलता है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आप विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक विकास पढ़ चुके हैं, चाहे वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हो, वाइगोत्स्की का हो या जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास हो, इन सभी सिद्धांतों में आपने संज्ञानात्मक विकास को एक निश्चित क्रम में होते हुए आपने देखा है। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था मानी जाती है, और यहाँ पर बालक में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रबल हो जाती है, जिससे उसमें बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वो विभिन्न कार्यों, विभिन्न चीजों के समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह अनेक तरह की समस्याओं का समाधान करने में, उसका अप्रत्यक्ष चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। करें किशोरों में इस दौरान तार्किक व नैतिक सोच मजबूत होती है। यह वही अवस्था होती है, वही संक्रमण काल होता है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल होता है। यहाँ पर व्यक्ति को विभिन्न चीजों को तर्क करने की शक्ति आ जाती है, विभिन्न रीति रिवाज परंपराओं या सामाजिक मूल्यों के बारे में मूल्यांकन करने लगता है, तर्क करने लगता है, उसके लाभ या हानि के बारे में सोचने लगता है, वह है तो क्यों है, ऐसे परिकल्पना निर्मित करने लगता है। साथ ही साथ उसमें नैतिक सोच मजबूत होती है, यानी कि यही वह अवस्था होती है जहां पर बालक में नैतिकता का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, बहुत सारे ऐसे कार्यों को करने लगता है जो समाज में
मान्य होते हैं या समाज द्वारा रिस्पेक्टेड कार्य होते हैं उसको किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। वहीं पर तर्कशीलता बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु घटना या व्यक्ति के बारे में तर्क करने की जो क्षमता होती है वह किशोरावस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। किसी भी बौद्धिक कार्य या किसी भी समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है वह परिपूर्ण हो जाती है। और हम बात करें तो जनरल थिंकिंग में भी बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि शैशवावस्था जो कि वर्तमान में बालक जीता है, यही अब हम बात करें किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था वह एक ऐसी अवस्था होती है जो जीवन के लक्ष्य निर्धारण की अवस्था होती है। तो अब यहाँ पर बालक के सोचने समझने उसकी बौद्धिक क्षमता को उच्चतम या इष्टतम करने की अवस्था होती है। अब उसके जो सोच होती है, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है, वह सामान्य से विशिष्ट हो जाती है, यानी कि वह विशिष्ट रूप से सोचने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां नए नए आविष्कार या आप कहिए तो सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। अनेक तरह के सृजनात्मक कार्यों को किशोरावस्था में देखा जाता है। अब हम बात करें अंतिम मानसिक विकास की, तो तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम होने लगते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां पर बालक स्वतंत्र होता है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, साथ ही साथ आइडियल कॉन्सेप्ट को बनाकर रखता है। इसीलिए वह विभिन्न तरह के स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, यानी कि वह अब अपने आप को परिपक्व समझता है, चीजों की सोचने समझने की पूर्ण क्षमता विकसित हो जाती है उसमें। इसलिए वह अब विभिन्न तरह के निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम समझता है। आगे हम बात करें किशोरावस्था में संवेगात्मक या भावात्मक विकास की, तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर संवेगों का बहुत ही उतार चढ़ाव देखा जाता है, भावात्मक विकास देखा जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां पर विषम लिंगी आकर्षण देखा जाता है, जिसे इस अवस्था में प्रेम या प्यार के नाम से, लव के नाम से लोग जानते हैं। वह बहुत ही घनिष्ठता से इस अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ड्यू टू हार्मोन चेंजेस यंगस्टर अंडर मेनी इमोशनल चेंजेस, आप देखेंगे कि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं इस अवस्था में, जिसके कारण किशोरावस्था में जो संवेग होता है उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आते आते किशोरों की मांग होती है स्वतंत्रता की, वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परिवार के बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं। वहां पर यह आप देखते होंगे टोका टाकी पसंद नहीं करते हैं, जबकि माँ बाप का दायित्व बालक के इस अवस्था में और अधिक बढ़ जाता है कि बालक पर विशेष निगरानी रखी जाए। जबकि इसका विपरीत किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी से दबाव में नहीं रहना चाहता है। यही वह अवस्था होती है जहां पर भविष्य की चिंता होती है, क्योंकि जीवन निर्धारण की यह अवस्था होती है। अतः यहां पर व्यक्ति चिंतित होता है अपने भविष्य को लेकर, भावनाओं में बहना, यहां पर बहुत जल्दी भाव विभोर हो जाता है, दूसरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है, साथ ही साथ विभिन्न तरह के संवेग क्रोध भी इस अवस्था में बहुत देखने को मिलता है, जोश देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे भावात्मक संवेग देखने को मिलता है। यही वह अवस्था होती है जहां पर माता पिता व उस स्कूल की अपेक्षाओं की वजह से बालक तनावग्रस्त प्रतिबल में होता है, क्योंकि बालक से हमेशा माता पिता या स्कूल या समाज कुछ न कुछ जो अपेक्षाएं किए रहते हैं, उस अपेक्षाओं को जो कि पूरा करने में बालक अपने आप को बंधन में समझता है, इसलिए वह हमेशा इस अवस्था में अपने आप को तनावपूर्ण अवस्था में पाता है। बात करें किशोरावस्था के सामाजिक तथा नैतिक विकास की, तो
तो सबसे पहले हम बात करें सामाजिक विकास की, तो इस अवस्था में किशोर किशोरी में आत्म सम्मान की भावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि बालक जिस समाज में होता है अब वह अपने आप को उस समाज में परिपक्व समझता है, वह अपने उत्तरदायित्व को समझने लगता है, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है और वह चाहता है कि समाज उसे स्वीकृत करे, उसे सम्मान दे, एक तरह से सम्मान पाने की इच्छा होती है, जिसके कारण विभिन्न तरह के सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। लोगों की राय को लेकर चिंतित होते हैं, खासकर अपने दोस्तों की राय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं कि वह लोगों के विचारों को लेकर, लोगों की राय को लेकर कि क्या करना चाहिए, जीवन को किस तरह से मोड़ना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, दोस्तों की बातों में लोगों की बातों को लेकर बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जिसके कारण चिंता में पड़े रहते हैं। स्वतंत्रता तथा जिम्मेदारी की चाहत बढ़ती है। अब यहाँ पर चूंकि उत्तरदायित्व समाज की तरफ से बढ़ जाता है, इसलिए बालक में स्वतंत्रता तथा जिम्मेदारी की चाहत बढ़ती है, वह अब एक तरह से जिम्मेदार की तरह से व्यवहार करने लगता है, अपने फैसलों, भावनाओं और कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करते हैं, क्योंकि अब यह इस अवस्था में बालक अपने स्वतंत्र फैसले लेने लगते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण करने लगते हैं, कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करने लगते हैं। आप अगर संवेग की बात करें तो हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा कि बाल्यावस्था में संवेग पर धीरे धीरे नियंत्रण करना प्रारंभ कर लेता है बालक, जबकि वहीं शैशवावस्था में कोई नियंत्रण संवेगों पर नहीं होता है, लेकिन किशोरावस्था में आते आते फिर संवेगों की प्रबलता हो जाती है, जिसके कारण वह भावनाओं में बहने लगता है, माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश करता है। अब देखते होंगे कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, माता पिता के बंधन में नहीं रहना चाहता है, उनकी टोकाटाकी पसंद नहीं करता है, जिसके कारण यह अवस्था समस्या की अवस्था कही जाती है, उलझन की अवस्था कही जाती है। संवेगों की तीव्रता तीव्र अभिव्यक्ति होती है, वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं। हम बात करें तो चूंकि संवेग यहाँ पर अत्यंत ही प्रबल होता है और उन संवेगों को वह किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं, चाहे भले से समाज के रीति रिवाज, मन परंपराओं आदि का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि इस अवस्था में अक्सर जो किशोर या किशोरी होते हैं वो बहक कर गलत कदम उठा लेते हैं, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा संक्रमण काल होता है जो किसी भी चीज जो उन्हें अत्यधिक आकर्षित करती है उसकी तरफ बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता तथा समाज के बंधन के कारण उन चीजों के सीमित उपयोग या दायरे में रहने के लिए बाध्य होते हैं। हम अंतिम सामाजिक विकास की बात करें तो इस अवस्था में किशोर किशोरी में विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर यौन ग्रंथि का पूर्ण विकास हो जाता है, जिसमें एक विशेष हार्मोन्स स्रावित होता है जो उनमें ऐसे सांवेगिक परिवर्तन उत्पन्न करता है जिसकी वजह से वह विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है और विषम लिंगी के प्रति उसका एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है, वह विषम लिंगी के साथ बात करना, उठना बैठना, उनके बारे में सोचना अत्यंत ही सुखानुभूति अनुभव करते हैं। आइए अब हम बात करें ओवरऑल किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं की, तो जो सबसे पहली विशेषता है आत्म सम्मान की भावना। आप देखेंगे कि किशोरावस्था जो कि एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बालक अहं केंद्रवाद विकसित कर लेता है। आप जीन पियाजे के सिद्धांत की दूसरी अवस्था में पढ़े होंगे, बालक में अहं केंद्रवाद उत्पन्न हो जाता है और वो ये सोचता है कि जो ये बादल हैं, ये चांद हैं, ये हमारे पीछे पीछे चलते हैं,
उसी तरह से किशोरावस्था में भी अहं केंद्रवाद विकसित हो जाता है कि वह काल्पनिक श्रोता में विश्वास रखते हैं। इनका मानना होता है कि लोग हमें देखते हैं, हमेशा हमारी निगरानी करते हैं। दूसरी तरफ इनमें आत्मसम्मान की भावना के कारण समाज उन्हें देख रहा है या काल्पनिक श्रोता के रूप में देख रहा है, तो वह उसी के अनुरूप कार्यों को करना पसंद करते हैं ताकि उसे समाज द्वारा सम्मान प्राप्त हो सके। अस्थिरता देखी जाती है। आप पहले भी ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि इसमें चेंजेस जो होते हैं वह बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो सांवेगिक परिवर्तन होता है उसमें अत्यंत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें अस्थिरता बहुत पाई जाती है, उनके व्यवहारों में अस्थिरता पाई जाती है। किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर बालक में अत्यंत ही प्रबल तूफान तनाव की अवस्था से गुजर रहा होता है, इसलिए वह बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पर वह समाज का विद्रोह करता है, माता पिता का विद्रोह करता है और वह समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्त कर देता है, समाज विरोधी व्यवहार करने लगता है, जिससे वह किशोर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। बात करें तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर काम भावना की परिपक्वता देखी जाती है। अब चूंकि यहाँ पर प्रजनन शक्ति का विकास हो जाता है, प्रजननता बढ़ जाती है, तो अब उसमें काम भावना की परिपक्वता आ जाती है और विषम लिंगी प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। समाज सेवा व नैतिक व्यवहार, यही वह अवस्था होती है जहाँ पर समाज सेवा करना, समाज सेवी बनना या विभिन्न तरह के नैतिक व्यवहार विकसित कर लेता है। पूजा पाठ करने की भी यही प्रवृत्ति होती है, यही वह अवस्था होती है जहाँ पर बालक पूजा पाठ करने लगता है और समाज में अपनी भागीदारी उपस्थित करने लगता है, विभिन्न तरह की सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है, अपना योगदान देने लगता है। आत्म प्रेम, यही वह अवस्था है जहाँ पर बालक हो चाहे बालिका हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से संवरना सजना, ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें इंगित करती है कि वह आत्म प्रेम करते हैं, यानी कि अपने से प्रेम करते हैं ताकि अपने आप को अच्छे से अच्छे संवारा जा सके। एक आइडियल कॉन्सेप्ट बनाकर रखते हैं किशोरावस्था में और उस आइडियल कॉन्सेप्ट की या आइडियल या मॉडल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कल्पना की बाहुल्यता होती है। आप सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर कहें तो किशोरावस्था की यह विशेषता कि यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक और बालिका दोनों दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं, अनेक तरह के दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, कल्पना की दुनिया बनाए रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस तरह से किशोरावस्था में कल्पना की बाहुल्यता भी देखा जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ न समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य ही उत्तर दूंगा। साथ ही साथ आप अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।